वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो निदेशक उत्तराखंड एवं यूनानी सेवाओं उत्तराखंड देहरादून के ओर से वैकेंसीज आई हैं। क्या है, कितने नंबर की वैकेंसीज हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या है इसकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं उत्तराखंड शासन चिकित्सा अनुभाग 1 के अधिसूचना के अनुसार, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक, जी हाँ फ्रेंड, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर रोस्टर के अनुसार जो है यहाँ पर देखें कुल पद निकले हुए हैं 36। जी हाँ फ्रेंड, नंबर अब जो पोस्टेज हैं वो 36 हैं। यहाँ पर जो है नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। वैसे आजकल पदों के पद जो पद हैं वो बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी वो हंगामा आपको जिसे मालूम इसमें उत्तराखंड में चल रहा है बेरोजगारों के लिए। तो आपने देखा होगा डे बाय डे जो है फॉर्म आ रहे हैं और जिनके फॉर्म आ चुके हैं उनके लिए पद बढ़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं यानी कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो पोस्टें हैं वो 36 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य जाति की जो है 36 और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट के 3 पद हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है और ओपन कैटेगरी 21, 23 इस वजह से यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो है डिवाइड करके रखा है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको एक बार ज़रूर देख लें। अब आते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस क्या है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपको विज्ञान वर्ग में बायोलॉजी या फिर उसके अलावा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक वैद्यिक यानी कि फार्मासिस्ट का जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में आप जो है पंजीकृत होने चाहिए। और उसके अलावा अगर जो और रिक्वायरमेंट है इसमें आप कम से कम 2 वर्ष की सेवाएं होनी चाहिए। उसके अलावा नेशनल कैडर का बी और राष्ट्रीय सेवा आयोजन का सी जो है सर्टिफिकेट होना अनिवार्य नहीं है, ये जो है अधिमान है। यानी कि आपके पास होगा तो आपको परीता यानी कि प्रीफ्रेंस दी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। तो फिलहाल आपको बायोलॉजिस्ट के साथ होना चाहिए और उसके अलावा फार्मासिस्ट का आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। 36 जो है ये सारी पोस्टें हैं। अब आप देख सकते हैं उसके अलावा इसमें जो उम्र होगी वो आपका 18 to 42 होगी। और उसके अलावा इसमें जो है 1 साल जो छूट दी गई है उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने जो रोस्टर निकाला था उसी के अनुसार, यानी कि उत्तराखंड शासन के द्वारा जो 1 साल की छूट है उसी के अनुसार जो है इसमें आपको जो है छूट दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो फॉर्म होंगे निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हों और जो है ये ऑफलाइन फॉर्म है। अभी फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि जो फॉर्म भरना है आपको निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड डांडा लखौंड सहस्त्र धारा रोड निकट आईटी पार्क देहरादून यहाँ पर आपको भेजना है और 20 जनवरी 2021 से पहले को 5:30 बजे तक प्रातः किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने गलती से आई थिंक सो यहाँ पर 2021 लिख दिया, यहाँ पर 2022 होना चाहिए, ठीक है। तो पंजीकृत ढंग से लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी है। और आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड करने हैं वो एक बार आप देख लीजिए। आरक्षण संबंधी, उसके अलावा हाई स्कूल इंटर फार्मासिस्ट भारतीय चिकित्सा, यहाँ पर सारा कुछ। और उसके अलावा जो फॉर्म के अंदर है आपको उत्तराखंड रोजगार सेवा योजन का मैं आपको जो है मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट उत्तराखंड राज्य रोजगार, उसके अलावा सब पता यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड आई थिंक आएगा बाय पोस्ट आएगा तो 23x100 का जो है इसमें आपके पास होना चाहिए। और आवेदन पत्र के जो लिफाफे पर संविदा फार्मेस्ट पद है तो आवेदन पत्र अंकित यानी कि ऐसा ऊपर होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स। अब ये रहा इसका फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म का जो है स्ट्रक्चर है जहाँ पर आवेदन पोस्ट का नाम श्रेणी, उसके बाद किस वर्ष आपने फार्मासिस्ट का कंप्लीट करके रखा, उसके बाद हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, फादर नेम, जन्मतिथि और यहाँ पर सारा कुछ जो है उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ जो है समझ में आई होगी। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये फॉर्म अपलोड कर दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें,
सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अच्छा, अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।